आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी पकौड़े वाली, जिसमें हमने न प्याज डाली है न लहसुन, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं पकौड़े वाली कढ़ी। नमस्कार, आपके अपने चैनल स्वादु में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें एक कप बेसन डालेंगे। इसमें हम लस्सी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालकर बेसन को घोलेंगे। फिर सारी लस्सी डाल देंगे। लस्सी से कढ़ी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है, इसीलिए हमने लस्सी का उपयोग किया है। आपके पास अगर लस्सी ना हो तो खट्टी वाली दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप दही और बेसन का साथ में घोल बना लीजिएगा और पानी डालकर बैटर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। पतीले में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया, 1/4 चम्मच मेथी, 1 साबुत लाल मिर्च, कुछ करी पत्ते। फिर इसमें बेसन दही के घोल को डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इसे चलाना छोड़ देंगे तो दही या लस्सी फट सकती है, इसीलिए हम इसे चलाते रहेंगे। ये जितनी पकेगी कढ़ी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। इसमें हम कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे, फिर मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। शुरू में गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, जब एक उबाल सा आ जाए फिर इसे लो फ्लेम करके अच्छे से पकाएंगे। तब तक हम पकौड़े का बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 से 3 कप बेसन डालेंगे। अब इसमें हम 1 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे। इसमें हम 1/2 इंच अदरक कद्दूकस करके डाल देंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए फेटेंगे। एकदम से पानी डालने पर बेसन में लम्स हो जाते हैं, इसीलिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फेटेंगे। इसे हम 2 मिनट तक फेटेंगे ताकि पकौड़े सॉफ्ट बने। इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करते हुए फेट लेंगे। 1/2 भी काफ़ी हद तक पक चुकी है। इसको दूसरे चूल्हे पर डाल देंगे। अब पकौड़े बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। कढ़ी को हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें अब हम हाथों से छोटे छोटे बॉल के शेप में बैटर को डालेंगे। साइज छोटा या बड़ा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पकौड़े को डालकर तलेंगे। इसे हाई से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। देखिए पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। इसे छनोटे की मदद से प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम तड़का तैयार करने के लिए फ्राई पैन लेंगे, फिर इसमें तेल डालेंगे और गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें साबुत धनिया, जीरा, मेथी, करी पत्ते, मिर्ची, राई, चुटकी भर हींग डालेंगे। हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक डालकर ग्राइंड कर पेस्ट बनाया है, इसे भी डाल देंगे और मिक्स करते हुए चलाएंगे। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे।
अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रहे क्योंकि कढ़ी में भी नमक डाल रखी है, तो बस तड़के में बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। मिक्स करते हुए चलाएंगे तब तक जब तक ये तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाले से तेल दिखने लगा है, यानी मसाले वाला तड़का तैयार है। अब हम कढ़ी के अंदर सारे पकौड़े डाल देंगे। अब कढ़ी में हम ये मसाले भी डाल देंगे। पैन में थोड़ा कढ़ी डालकर अच्छे से मसाले को मिक्स कर डाल देंगे। फिर कढ़ी पकौड़े को एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। पकौड़े वाली कढ़ी तैयार है। कढ़ी को आप चावल के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। धन्यवाद।